हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय चैनल टेक इलेक्ट्रो। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये है लूम सोलर का 10 वाट सोलर पैनल जो लूम सोलर से मुझे भेजा गया है। अभी आप लोगों को मैं इसका अनबॉक्सिंग वीडियो दिखाऊंगा अनबॉक्सिंग करके। तो चलिए इसको अनबॉक्सिंग करते हैं। लूम सोलर का ब्रांडिंग के साथ अच्छे से टेप किया गया है और ऊपर यहाँ पे एड्रेस दिया हुआ है, उसी उसी के वेबसाइट में इसका इनवॉइस भी दिया है। इसको रख देते हैं और इसका टेप खोलते हैं। तो अभी अच्छे से इसका टेप किया गया है, तो इसका टेप खोलते हैं। इसका बबल बैग जो दिया गया है, ये अच्छा क्वालिटी का है, जो फ्यूचर में भी अगर कहीं कैरी करना चाहते हैं इसके अंदर लेने से तो सेफ्टी हो जाएगा। और अभी ये निकाल लेते हैं। जैसे कि आप लोग देख पा रहे हैं, यह है इसके डिटेल्स, प्रोडक्ट नेम और ये प्राइस 1000 रुपीज़ MRP लिखा हुआ है, क्योंकि ये लूम सोलर से मुझे फ्री भेजा गया है। तो इसका प्राइस के साथ मेरा कोई ये नहीं है, लेकिन आप लोगों के जानकारी के लिए आपको तो प्राइस दिखा दिया। अभी ये देख पाएंगे अंदर सोलर पैनल, ये है एक छोटा सोलर पैनल। अभी इसको इसके पीछे देखते हैं, यह है वारंटी कार्ड। वारंटी कार्ड में कार्ड को रखते हैं और अभी इसका पैनल के पीछे डिटेल्स दिया गया है। इसका मैक्सिमम पावर है 10 वाट, मैक्सिमम वोल्टेज 20 वोल्ट, मैक्सिमम पावर करंट 0.5 एम्प, शॉर्ट सर्किट करंट 0.6 एम्प, ओपन सर्किट वोल्टेज 24.8 वोल्ट, मैक्सिमम सिस्टम वोल्टेज 600 वोल्ट। ये इसका टोटल डिटेल्स दिया गया है पीछे, और नीचे लूम सोलर का ब्रांडिंग का स्टिकर दिया हुआ है। और ये है टर्मिनल, तो जहाँ पे आप कनेक्ट कर सकते हैं अच्छे से टाइट टाइट होके, ये कनेक्ट है, कवर किया गया है। अभी रात का वक्त है, फिर भी मैं वोल्टेज चेक कर लेता हूँ, कुछ वोल्टेज दिखाता है दोनों टर्मिनल में। ये अभी लगा दिया। अभी ये क्या अभी ये क्या देख रहा हूँ, रात में भी अभी 4 वोल्ट दिखा रहा है, जो ट्यूबलाइट के ये रोशनी में 4 वोल्ट दिखा रहा है। अभी इसको स्क्रू को लूज करके आप कनेक्ट कर सकते हैं लोड के साथ और बैटरी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। और अभी बात है इसको क्या क्या यूज़ कर पाएंगे आप लोग। ये एक छोटा पैनल है, ये आप लोग घर में यूज़ कर सकते हैं और ट्रेवल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे ट्रेवल के लिए एक इसके साथ एक अगर आप लोग कंट्रोलर ले लेते हैं, चार्ज कंट्रोलर लेते ले लेते हैं और छोटा सा एक बैटरी कैरी करते साथ में, तो आप लोग कहीं भी बैटरी चार्ज कर सकते हैं और उससे मोबाइल वगैरह चार्ज कर सकते हैं USB, क्योंकि कंट्रोलर में नॉर्मली USB का ऑप्शन भी रहता है, तो वगैरह चार्ज कर सकते हैं। और कंट्रोलर के साथ आप लोग 12 वोल्ट का कुछ भी DC लोड चला सकते हैं, छोटा छोटा DC लोड चला सकते हैं। आजकल 5 वाट का 12 वोल्ट DC बल्ब भी आता है। उसके बाद आप दूसरा कुछ आप लोगों को लाइट भी मिल जाएगा 12 वोल्ट वाला, ऐसे ही आप लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। अभी रात का समय है और दिन में मैं इस पैनल से एक बैटरी चार्ज करके देखना चाहता हूँ कि ये काम करता है या नहीं। आप लोग देखते रहिए, इसी वीडियो के अंत में आपको वो दिखाई देगा। अभी प्रैक्टिकल कुछ करने के लिए अभी सब जुगाड़ लगा लिया, अभी देखना है ये पुराना बैटरी को चार्ज कर सकता है या नहीं। अभी देखता हूँ इसमें कितना चार्ज बचा हुआ है, मैं बैटरी को चेक करता हूँ। ये मीटर आप देख पाएंगे इसमें कितना वोल्ट है, ये 8.7 है। और अभी सोलर से कितना आ रहा है ये भी आप देख पाएंगे। अभी ये सोलर धूप में है और यहाँ वोल्टेज आप देख सकते हैं, ये उल्टा कनेक्ट किया मैंने, अभी 20 वोल्ट जनरेट कर रहा है। अभी इस पैनल के साथ बैटरी को कनेक्ट करूँगा। यहाँ पे मैं एक पुराना वायर यूज़ किया है जो आजकल यूज़ नहीं होता है, तो आप लोगों को पता है तो कमेंट कीजिए ये किस चीज़ में यूज़ होता था। पहले के दिन में ये बहुत यूज़ होता था। अभी मैं बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, उससे पहले
पैनल का वोल्टेज वेयर के एंड में एक बार देख लेता हूँ। शाम की वक्त है इसीलिए तो धूप भी नहीं है, फिर भी 20 वोल्ट दिखा रहा है। और अभी बैटरी के साथ कनेक्ट कर देता हूँ, और कनेक्ट करने के बाद अभी फिर से वोल्टेज चेक करूँगा, चेक करके देख आप लोगों को दिखाऊँगा कि कितना वोल्ट बैटरी से कनेक्ट करने के बाद दिखाता है। अभी आप लोग देख पा रहे हैं 9.4 वोल्ट दिखा रहा है, क्योंकि ये ई स्कूटर से खोला गया बैटरी है, बहुत ही क्योंकि ये ई ई स्कूटर का पुराना बैटरी है, इसको चार्ज ये फुल्ली डिस्चार्ज है। अभी थोड़ी देर धूप में देने के बाद मैं फिर से चेक कर रहा हूँ, अभी धूप और कम हो गया तो अभी वोल्टेज इतना अच्छा नहीं दिखा रहा है। ये देख पा रहे हैं आप, धूप ठीक से आ ही नहीं रहा है। धूप आने के साथ साथ आप लोग देख पा रहे हैं ये थोड़ा वोल्टेज अच्छा दिखा रहा है, तो पैनल अभी यहाँ पे ठीक से काम कर रहा है, लेकिन इस बैटरी क्योंकि फुल्ली डिस्चार्ज बैटरी है, इसको चार्ज करने के लिए प्रॉपर धूप के साथ इसको टाइम भी लगेगा। आज के वीडियो में इतना ही। आप लोग अगर लूम सोलर का किसी भी प्रोडक्ट लेना चाहते हैं तो आप लोग लूम सोलर का वेबसाइट www.loomsolar.com में विजिट करके आप लोग खरीद सकते हैं, या तो लूम सोलर का लोकल डीलर डिस्ट्रीब्यूटर के साथ भी कांटेक्ट करके आप लोग प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। इस वीडियो के साथ मैं लूम सोलर का ये लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग उस लिंक को क्लिक करके भी प्रोडक्ट खरीद सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।